तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके किताब द्वारा बनाए नोट्स और आंसर राइटिंग। और अगर हम मेंस की बात करें तो वो इतना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि आपका रैंक कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग है और मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं आपके मेरिट में, तो आपने मेंस में अच्छा आंसर राइटिंग किया और एक अच्छा रिप्रेजेंट किया मेंस के एग्जाम में अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स तो जुड़ेंगे ही, साथ ही आपका रैंक भी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका जो है आंसर राइटिंग, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कहे तो वही है आंसर राइटिंग। क्योंकि देखिए, आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे और अच्छा से करेंगे तो कहीं ना कहीं वो यूपीएससी के लिए हेल्पफुल होगा। और यूपीएससी के लिए कभी भी आंसर राइटिंग करें तो कोशिश करें कि डायग्राम थ्रू अपने आंसर राइटिंग को करें। जैसे कि देखिए, अगर आपने यहां से कुछ पढ़ा या पॉलिटी में देखिए, जैसे एम लक्ष्मीकांत सर की किताब है, आपने कुछ पढ़ा और पढ़ के आपने जो समझा, तो कोशिश कीजिए तुरंत उसका नोट्स या आंसर राइटिंग बनाने का। क्योंकि पढ़ने के बाद वो ज्यादा टाइम तक रहता नहीं है, तुरंत याद होगा पढ़ने के टाइम से, अभी इसको पढ़ेंगे तो तुरंत वो दिमाग में भी रहेगा और तुरंत इसका आंसर राइटिंग या नोट्स भी बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका हमको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और अब सोचेंगे कि अब इसको पूरा पढ़ने के बाद जो हम स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग या नोट्स बनाना, तो वो आपके लिए व्यर्थ है। इससे क्या हो गया, आप पढ़ते जाएंगे भूलते जाएंगे, और पढ़ने के साथ आप अपना आंसर राइटिंग और अपना नोट्स बनाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के टाइम में वो बहुत जो है हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए, आपको आंसर राइटिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डायग्राम थ्रू आपको जो है आंसर राइटिंग करना। देखिए, इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है या तो जो करते हैं वो क्या करते हैं कि देखिए, आप पूरा लाइन बाय लाइन ऐसे भर के लिख दोगे तो वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक, और दिखने में भी उतना जो है खास नहीं लगेगा। और आप देखिए, इस टाइप का डायग्राम से जो है बना करके अपने आंसर राइटिंग को करोगे तो कहीं ना कहीं दिखने में भी अच्छा लगेगा और उसको समझ भी आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं एक्चुअल में, और इससे आपका जो स्किल भी पता चलता है। ठीक है, तो देखिए, कोशिश कीजिए व्हाइट पेज में अपना आंसर राइटिंग करने का मेंस का, और देखिए एकदम सुंदर सुंदर लिखने का कोशिश कीजिए। देखिए, कहते हैं ना कि आप जितना अच्छा आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आपका स्पीड भी अच्छा होगा और आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा होगा, क्योंकि यूपीएससी के मेंस में आपको हैंडराइटिंग भी चाहिए और आपका जो है लिखावट भी स्पीड चाहिए, दोनों मैटर करता है। ठीक है, जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा रिप्रेजेंट डायग्राम बना के करेंगे, उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट पेज में कीजिए, और देखिए थोड़ा सा गैफेज छोड़ के, जैसे देखिए ये गैफ कितना है, तो गैफ छोड़ने से क्या होता है ना कि उसको आसानी से हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, जिससे जो है मार्क्स भी हमको अच्छे मिलते हैं। आप देख लीजिए, आपको इसी टाइप से एकदम कंटिन्यूअस पढ़ना है, एकदम डायग्राम कुछ भी कीजिए तो डायग्राम बना के एकदम पढ़िए। जैसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में डायग्राम लग रहा है ना कि हाँ, एक जो है चेक करने के लायक लग रहा है, कि हाँ दिखने में भी उसको अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और ज्यादा वीडियो चाहिए आंसर राइटिंग पे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरूर बताएंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसको फ्रेंड्स में अपने शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।